हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल वाइब्स विद अवासी एंड दिस इज मी खिजर अवासी। तो आज जो हम आपके लिए रिएक्शन वीडियो लेके आए यार, एक और जो है मूवी आ रही है, चार दिन पहले उसका ट्रेलर रिलीज हुआ है, बॉलीवुड की मूवी आ रही है। आई थिंक आजकल ना बॉलीवुड में और जो तमिल वाले ये मिलके मूवीज बना रहे हैं, तो हीरो का नाम फिर मुझे नहीं पता क्योंकि तमिल मूवीज में देखता ही बहुत कम हूँ, लेकिन विलन जो है वो सैफ अली खान है। और सैफ अली खान का तो भाई आपको पता है कि कैसी एक्टिंग करते हैं सैफ अली खान, और आउट क्लास एक्टर है भाई। तो मूवी का नाम जो है इसका लिखा हुआ है पार्ट वन लिखा हुआ है, आई थिंक ये कोई सीरीज आ रही है या सीजन आ रहा है, आई डोंट नो, बट इसका नाम है दीवारा और इसमें लिखा हुआ है सैफ अली खान इज भैरा। तो अब चेक करते हैं इसका जो है ट्रेलर, पहले देख लेते हैं छोटा सा ट्रेलर है, उसके बाद आगे हम डिसाइड करेंगे कि भाई कैसा है कैसा नहीं है। वाह नाइस यार। अच्छा मतलब सारी आजकल ना मूवीज और सीरीज जितने भी आ रहे हैं पुराने जमाने की आ रही हैं। ये आगे सैफ अली खान नाइस यार, नहीं एक नई लुक है ये। ओह एंड लेवल यार, एक्टिंग तो भाई इसकी है, विल बी लेजेंडरी। सैफ अली खान इज भैरा दीवारा। तो गाइज ये इसका छोटा सा ट्रेलर आया है, तो मुझे तो इसमें गेटअप जो है सैफ अली खान का वो बहुत ही पसंद आया कि एक नए गेटअप के साथ। सैफ अली खान को आप हीरो का रोल दे दो वो गेटअप भी कर लेते हैं यार। इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है सैफ अली खान की कि हर तरह का गेटअप जो है वो सूट करता है, और अभी जो विलन का गेटअप ये कर रहे हैं दैट वॉज ऑसम। जहां तक मैंने देखा कि भाई लुक तो बड़ी क्लास की है, और अभी आप लोग भी देख ही चुके हैं, तो कमेंट करके बताएं यार कि कैसा लगा आपको ये ट्रेलर। बॉलीवुड की आजकल नई मूवीज वगैरह जो आने वाली हैं बहुत आउट क्लास आ रही हैं, और बहुत नेक्स्ट लेवल पे ये लोग बना रहे हैं आप अपनी मूवीज वगैरह। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना, और मेरे सोशल अकाउंट्स जितने भी हैं सबके लिंक नीचे हैं, और फॉलो करो। एंड और जितने भी कोई ट्रेलर्स वगैरह आपके दिमाग में हैं, कोई सॉन्ग्स हैं, आप लोग कमेंट कर सकते हो। सो विल मेक वीडियो ऑन दैट एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। अल्लाह हाफिज़।